नमस्कार, मैं ज्योतिष शिरोमणि राकेश पाठक आज आपको कुंडली के बारे में बताता हूँ। कुंडली के 12 भावों के बारे में तो आपने बहुत सुना है, लेकिन उन 12 भावों से हम क्या चीज देखते हैं उसका भी एक वर्णन है। आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। एक किताब है गीता प्रेस की, ज्योतिष तत्वकाम। इस किताब से आप जातक तत्व मीमांसा, इसमें एक अध्याय है जो कि पेज नंबर 241 पे दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हैं कि कुंडली के 12 भावों से क्या क्या देखा जाता है। कुंडली के प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, मनुष्य को जो वस्तुएं उसके जन्म के पश्चात प्राप्त होती हैं वो सब भाव, सब चीजें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। यानी उसकी जाति, उसका रंग रूप, उसका सौंदर्य, उसका कद, उसका जन्म स्थान, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव से मनुष्य का प्रारब्ध भी देखा जाता है, जो भी उसने कर्म किए हैं और जो प्रारब्ध उसका है उसका फल उसे कैसा मिलेगा, ये भी प्रथम भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, क्योंकि वो वहां पर उसका स्वास्थ्य का कारक है। और प्रथम भाव का स्वामी मेष लगनी कुंडली में, जो काल पुरुषी कुंडली है, मंगल होता है। इसलिए प्रथम भाव में मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।